जिनके पास पैसे नहीं है, बिलो एवरेज एवरेज फैमिली में है, उनके दिमाग में ना कुछ ऐसे टैबूज भर दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें भर दी गई हैं जिनके जिनसे हमारे दिमाग में शेयर मार्केट को लेकर सवाल ही सवाल पैदा होते रहते हैं। कैसे सवाल? पहला सवाल दिमाग में आता है, शेयर मार्केट तो अमीरों का खेल है। एक कई लोग इसे मानते हैं कि शेयर मार्केट उनको लगता है सिर्फ अमीरों का खेल है। भाई साहब गलत है, बहुत लोगों को डाउट रहता है। शेयर मार्केट अपनी बस की बात नहीं है, एवरेज बिलो एवरेज मेरे पापा खुद कहते थे फालतू चीज है, अमीर लोगों का चोचला है, समझ रहे हो, फालतू चीज है, जुआ है जुआ, अमीर लोगों का चोचला, जिसके पास अच्छा पैसा वही करता है, फालतू की चीजें इनमें ध्यान मत दो। पहले तो शेयर मार्केट के इस वजह से लोग बात नहीं करते हमारी एवरेज और बिलो एवरेज फैमिलीज के अंदर, क्योंकि मेरी फैमिली भी उसी में आती है। दूसरा, हमारे दिमाग में डाल दिया गया बहुत रिस्की है साहब, बहुत रिस्की है, पैसा डूब जाता है तो वापस ही नहीं आता, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से शेयर मार्केट के लिए कोई बात नहीं करना चाहता। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, रिस्की है लेकिन बहुत रिस्की नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा कमाया नहीं जा सकता, सीख ले समझ ले तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये डाउट भी रहता है एवरेज फैमिली और बिलो एवरेज फैमिली बहुत रिस्की है। भाई बहुत रिस्की है, नो नॉट एट ऑल, बर्बाद हो जाएंगे, सीधे बात बोलते शेयर मार्केट, ओ माय गॉड बर्बाद हो जाएंगे, यहां पे पैसा नहीं डालने का। और फिर और क्या सवाल आते हैं दिमाग में, डीप नॉलेज चाहिए, बहुत गहरी समझ चाहिए शेयर मार्केट में, वही पैसा कमा सकता है। तो देखो, डीप नॉलेज गहरी समझ किस चीज में नहीं चाहिए बताओ। आज YouTube में पैसा कमाने के लिए, आज जिस पोजीशन पे हूँ, जो YouTube से मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसके लिए मुझे 7 साल लगे। हर चीज में डीप नॉलेज चाहिए, घुसने दोगे तभी तो कुछ कर पाएगा ना। आज YouTube में घुसता ही नहीं तो मैं यहाँ तक पहुंचता कैसे, समझ रहे हो।